केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की कंपनी हाइपर ग्रॉस प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रोक्योरमेंट मैनेजर शिवम गुप्ता ने ही 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी द्वारा शिवम को किसानों और कारोबारियों से सब्जी फल खरीद की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने किसानों से कम दाम में खरीद कर कंपनी से अधिक दाम का भुगतान लेने के साथ ही फर्जी फर्म श्री श्याम ट्रेडिंग से खरीद कर बताकर गबन किया है। किर्गिस्तान में हो रही हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन के 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हैं। ये स्टूडेंट्स इतने डरे और सहमे हुए हैं कि किसी भी तरह जल्द से जल्द भारत लौटना चाहते हैं। छात्रों ने जानकारी दी कि किर्गिस्तान के युवक हॉस्टल में घुसकर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से रेस्क्यू की गुहार लगाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से छात्रों को बाहर इंडिया वापस लाने की अपील की है। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा, किर्गिस्तान में हो रही हिंसा में उज्जैन के 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे, वो किसी भी तरह भारत वापस आना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। भोजशाला में 60वें दिन सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम किया। टीम ने भारतीय परिसर में भी सर्वे किया, जबकि उत्तर दक्षिणी दिशा में खुदाई जारी है। गर्भगृह में खुदाई के दौरान जो दीवारनुमा आकृति मिली थी उसके पास 17 फीट तक खुदाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज की जांच में उपयुक्त रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई निरीक्षक राहुल राज द्वारा 10 लाख रुपए रिश्वत लेने और उसकी गिरफ्तारी के बाद कॉलेजों की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। उच्च न्यायालय ने 364 कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसमें एजेंसी ने 318 कॉलेजों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इनमें 169 कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। गांधीनगर में भाजपा विधायक के पोते ने आत्महत्या कर ली। वह इंदौर में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम विजय पिता बापूलाल दांगी है। उसने सोमवार देर रात आत्महत्या कर ली है। विजय खिलजीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी का पोता था। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह दोस्ती सामने आई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। भोपाल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक जिले में लगभग 150 से अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें सबसे अधिक नीलबड़, कलखेड़ा, करोन, कोला, बैरागढ़, भौरी, नरसिंहगढ़ और बेरसिया रोड पर है। इन सभी कॉलोनियों की जानकारी एसडीएम द्वारा जुटाई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिछले सप्ताह जिलाधिकारी कार्यालय में आग लगने से कई दस्तावेज जल जाने के मामले में एक सरकारी कर्मचारी और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी ने जिलाधिकारी कार्यालय के भूमि अधिग्रहण अनुभाग में मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित फाइलों को नष्ट करने के लिए आग लगा दी थी। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हैं। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले दतिया में रविवार को टेम्परेचर 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। 24-25 मई से पूरा एमपी लू की चपेट में रहेगा। राजगढ़ में सोमवार रात इंदौर से अशोकनगर जा रही निजी बस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बस में 55 यात्री सवार थे, जिनमें से 40 घायल हो गए। 19 का इलाज इंदौर, 3 का शाजापुर, 10 का ब्यावरा और 3 का पचोर अस्पताल में चल रहा है।